हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 7। इससे पहले मैंने ट्रांसलेशन की 6 क्लास अपलोड कर दी है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी सीक्वेंस से हम लोग ट्रांसलेशन की आज क्लास नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अभी तक कि मैंने जितने ट्रांसलेशन पिछले वीडियोज बताए हैं उसमें सभी में लेवल को ध्यान रखते हुए, यानी कि ईजी से लेके एक्सट्रीम मॉडरेट लेवल तक की हमने सारे सीक्वेंस वाइज सॉल्व किए हैं। इसी सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं नंबर सेवन में आप देखते हैं, इससे पहली लाइन लिखी हुई है कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। अब आपको एकदम सिंपल से पता चल रहा है कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है हमारी अभी भी सुंदर है। तो इस टेंस में आपको ट्रिक यह है पहचानने की, आप इसको जब पढ़ेंगे पहली लाइन कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, तो इस टेंस को, इस लाइन को पढ़ते ही आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस लाइन में जो बात कही गई है यह हमारी पृथ्वी के बारे में कही गई, और हमारी पृथ्वी प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करती है, कैसी है, वो भी सुंदर है। तो अगर प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इज एम आर का लगाएंगे। लेकिन इसको देखने, इस सेंटेंस में हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर, ये एक एक्सक्लेमेशन यानी कि हृदय में उठा हुआ एक भाव है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में जाती है। हाउ ब्यूटिफुल अवर अर्थ इज, ये हो गया। इसके बाद दूसरी लाइन इसमें लिखी, हरे हरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो। तो हरे हरे जंगल, इमेज कल्पना करने क्या होगी, इमेजिन, इमेजिन हरे हरे जंगल, क्या दे, लश फॉरेस्ट, लश मतलब होता है हरा भरा, LUSH, लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल, लश ग्रीन फॉरेस्ट कॉमा, बर्फ से ढके पर्वत यानी कि स्नो कैप्ड माउंटेन। बर्फ से ढके होने की क्या होगी, बर्फ की होगी स्नो, और ढके होने की होगी कैप्ड, कैप्ड मतलब से हम लोग सिर में जो कैप लगाते हैं उसी तरह स्नो कैप्ड माउंटेन्स हो जाएगा इस लाइन का ट्रांसलेशन। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखा है और लगा है, तो कॉमा नहीं लगाएंगे, और लगा है तो और लगा देंगे, एंड नीले सागरों की कल्पना करो, एंड ब्लू ओशियंस, जिस कलर का मेरा ये मार्कर है उसी कलर का ब्लू ओशियंस, ये हो गया। फिर क्या लिखा है, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां कौमा, पशु पक्षी कौमा, नदियां एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो पहले इसका बनाएंगे, मन प्रसन्नता से भर जाने का ट्रांसलेशन क्या होगा, द माइंड इज, भर जाने की होती है फिल्ड, द माइंड इज फिल्ड विद, द माइंड इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता की होती है इंग्लिश हैप्पीनेस, द माइंड इज फिल्ड विद हैप्पीनेस। कब भर जाता है, क्या देखने के बाद, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां, पशु पक्षी, नदियां एवं झीलों को देखकर, तो नदियां एवं झीलों को देखकर, तो इसका क्या होगा, हैप्पीनेस आफ्टर, आफ्टर। अब सी में आईएनजी क्यों लगाएं, क्योंकि भैया देखना क्या है, एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी, अगर इनको देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इनको क्या है, प्रोसेस हो गई। तो सीइंग द, सीइंग के बाद द होगा, द के बाद क्या है, कलरफुल फ्लावर, रंग बिरंगे फूल, तो हो जाएगा कलरफुल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, वैलीज, वैलीज, पशु पक्षी क्या हो गया, एनिमल, पशु की हो गया एनिमल्स, बर्ड्स मतलब होते पक्षी, फिर नदियां एवं झीलें, नदियां की होगी रिवर्स, और झीलों की होगी एंड लेक्स। फिर इसके बाद क्या लिखा है, प्रसन्नता से भर जाता है। इसके बाद लिखा है, प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति प्रदान होती है, हमें शांति कब प्रदान होती है, प्रकृति के संपर्क में, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी शांति की होगी
पीस, इमेंस पीस मतलब प्रकृति की शांति. तो वी गेट इमेंस, EMMENSE, इमेंस पीस, PEACE, पीस मतलब होता है शांति, और जिसमें आई लगा होता है वो होता है भाग यानी टुकड़े की बात. इमेंस पीस इन कब होती है? कॉन्टैक्ट विद नेचर, यानी नेचर के संपर्क में आने के हम लोग को कैसी अत्यधिक शांति प्रदान होती है. इसी के साथ यह ट्रांसलेशन समाप्त हुआ है. उम्मीद करता हूँ आपको यह ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है इस ट्रांसलेशन में जो मैंने बताया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह की कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट मिल सके और उनकी भी मदद हो सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.